हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ फेस मेकअप में सबसे पहले क्या लगाए। बहुतों को कन्फ्यूजन होती है कि फेस मेकअप में सबसे पहले क्या लगाए, खास करके विंगर्स को तो और भी समझ में नहीं आती है तो फेस मेकअप में सबसे पहले क्या लगाए। तो आज मैं ये कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करनी है। मैंने वाइप्स की हेल्प से फेस को क्लीन कर लिया है। मेकअप किसी भी मेकअप से पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम बिना क्लीन किए फेस पे मेकअप करेंगे तो हमारा मेकअप जो है वो ग्रे पड़ने लगती है। तो मैंने यहाँ पे वाइप्स की हेल्प से फेस को क्लीन कर लिया है। मैंने लैक्मे पीच मिल का मॉइस्चराइजर लिया है। मैंने फेस पे यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा लिया है और अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर ले रही हूँ। मेकअप में प्राइमर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। प्राइमर से हमारा जो फाउंडेशन है वो काफ़ी फ्लॉलेस और स्मूथ दिखती है, अच्छी दिखती है। इसलिए हमें प्राइमर हमेशा ही मेकअप में यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर लिया है। अब मैं डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए कलर करेक्टर करूँगी। मैंने यहाँ पे लाइट ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है। तो जहाँ जहाँ हमारा डार्क सर्कल है वहाँ वहाँ मैंने इसे लगा लिया है। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की ऐप से अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को कभी भी यूज़ करें तो हमेशा वेट करके गीला करके ही यूज़ करें। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी यूज़ ना करें। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंडिंग नहीं होती है। मेकअप में हमारा ब्लेंडिंग जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हमारी मेकअप होगी। फिर मैंने मेबलिन का फिट मी का 128 शेड है इसका फाउंडेशन लिया है। फिर मैं फाउंडेशन को पूरे फेस पर डैप डैप करके लगाऊंगी और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। जितनी अच्छी हमारी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी हमारी मेकअप भी होगी। तो मैंने यहाँ पे पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लिया है। अब मैं ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ फेस मेकअप ही दिखा रही हूँ। मैं आईज मेकअप इसमें अभी नहीं किया है। तो कम से कम चीज़ों से मैं यहाँ पे फेस मेकअप करने की कोशिश की है। तो जो बिगनर्स है उसके लिए कम से कम चीज़ में कैसे मेकअप कर सकते हैं वो इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अगर हम कलर करेक्टर ना करें डायरेक्ट फाउंडेशन लगा ले तो फाउंडेशन जो है ग्रे पड़ने लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। इसे मैं अपने जो हाईलाइट एरिया है उसे हाईलाइट करूँगी इस तरीके से। इस तरीके से हमें फेस पे हाईलाइट करना है। फेस को हाईलाइट करने से बहुत ही अच्छी मेकअप की लुक आती है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो सेट हो जाए। पूरे फेस पे हमें अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है।
मैंने यहाँ पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। फिर मैं यहाँ फेस को थोड़ा शेप देने के लिए थोड़ा कंटूरिंग कर रही हूँ, लाइट कंटूरिंग कर रही हूँ। ना नोज़ को थोड़ी सेम देने के लिए मैंने यहाँ पे नोज़ पे भी कंटूरिंग किया है। फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा जो फेस होती है वो फ्लैट दिखने लगती है। तो अगर हम इस तरह से कंटूरिंग करें तो हमारी जो फेस की फीचर होती है वो अच्छी तरह से दिखती है। कंटूरिंग हम फेस के फैट को हाइड करने के लिए भी करते हैं। मैंने नोज़ पे कर लिया है, उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। हमेशा कंटूरिंग को ऊपर की तरफ ब्लेंड करनी है, चिक्स के ऊपर की तरफ ब्लेंड करनी है, नीचे कभी ब्लेंड नहीं करनी है। फिर मैंने जॉ लाइन पे भी थोड़ा थोड़ा कंटूरिंग कर लिया है। फिर मैं ब्लशर, स्वीट ब्यूटी का ब्लशर ली हूँ। इस तरह से मैंने चिक्स पे ब्लशर लगा लिया है। ब्लशर मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगाया है, ये दो तीन मिनट बाद थोड़ा लाइट हो जाती है। ब्लशर हमेशा लगाए तो थोड़ा डार्क ही लगाए, कुछ देर बाद ये फेस के साथ मिलके लाइट हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी के पैलेट में ही हाइलाइटर दिया था, तो मैंने उसी हाइलाइटर को फेस को हाईलाइट किया है। जहाँ जहाँ हमने कंसीलर से फेस को हाईलाइट किया था वहाँ वहाँ हमें हाइलाइटर से भी फेस को हाईलाइट करना। फिर यहाँ पे मैंने लिप लाइनर लिया और लिप को लाइन कर रही हूँ। इसके बाद हमें लिपस्टिक लगाना है। मैंने किस ब्यूटी का मैट लिपस्टिक लिया है, इस रेड कलर की है। हम लिपस्टिक जब भी लगाए तो लिप लाइनर करके ही लगाए तो अच्छी दिखती है। इसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स किया है। स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया है। इस तरह से मैंने मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स कर दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ फेस मेकअप दिखाया है, कम से कम चीज़ों को यूज़ करके हम फेस मेकअप इस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो बिगनर्स है वो इस तरीके से मेकअप करें तो मेकअप काफ़ी अच्छी दिखेंगी। तो आज के मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।